नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चार मिनट में 18 मंडल के साथ। चंदौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत कराई गई शादी, कुल 407 जोड़ों की कराई गई शादियां। मौके पर जिलाधिकारी समेत विधायक और ब्लॉक प्रमुख भी रहे मौजूद। लखनऊ में आरटीओ कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर के फिटनेस ग्राउंड में गाड़ी मालिकों ने किया हंगामा। गाड़ियों का फिटनेस ना हो पाने को लेकर हंगामा। गाड़ी मालिकों का कहना, पिछले कई दिनों से पास नहीं हो पा रही गाड़ियां। प्रयागराज के संगम किनारे परेड ग्राउंड में श्रमिक मजदूरों की 1126 बेटियों का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और राज्य मंत्री मनोहर लाल। नए जोड़ों को नए जीवन की दी शुभकामनाएं। अंबेडकर नगर में सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 522 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। अकबरपुर हवाई पट्टी पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। कानपुर देहात में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार अधेड़ की घटनास्थल पर हुई मौत। पीछे बैठी विवाहिता बेटी को आई मामूली चोटें। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव मूणादेव के समीप की घटना। हरदोई जिला अस्पताल में बंदी ने किया हंगामा। कारागार से जिला अस्पताल लाया गया था बंदी। कहा, पुलिस मुझे इनकाउंटर करने के लिए यहां लाई। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल की घटना। रामनगर पुलिस ने लाखों रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 5 किलो से ज्यादा चरस की गई बरामद। अलीगढ़ के काशीराम आवास में युवक की गाली गलौज और दबंगई से परेशान। महिलाओं ने एसएसपी से की शिकायत। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने की शिकायत। अलीगढ़ में पति ने पत्नी को गड़ासे से काटकर उतारा मौत के घाट। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। हत्यारे पति को भी किया गिरफ्तार। थाना बरला इलाके के गांव गाजीपुर की घटना। हल्द्वानी में एलएलबी के छात्र से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने छात्र से मोबाइल चोरी के शक में की थी लूटपाट और मारपीट। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस। उत्तरकाशी में लोगों ने ली राहत की सांस। अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का डंडा। कुछ दिनों पहले एक युवक ने भटवाड़ी टैक्सी स्टैंड के पास किया था अवैध कब्जा। आगरा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिलाओं के साथ हुई मारपीट। मारपीट में 3 महिलाओं की हालत गंभीर। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। थाना ताजगंज क्षेत्र के लकावली गांव का मामला। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के 4 आरोपियों को सुनाई गई सजा। आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास और जुर्माने की सजा। पिछले साल देलूपुर थाना इलाके के गजहेड़ा जंगल में वारदात को दिया गया था अंजाम। हरदोई मेडिकल कॉलेज में कैदी ने काटा हंगामा। बोला, पुलिस लिखकर दे नहीं मारेगी गोली, तभी जाऊंगा इलाज के लिए ट्रामा सेंटर। उत्तरकाशी के गाजड़ा में अचानक बेमौसमी हुई बर्फबारी और गिरे ओले। घाटी में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक गिरे ओले। बेमौसमी ओले और बर्फबारी से खड़ी फसल हुई तबाह। रामनगर में कलाकारों ने दीवारों पर अपनी कला से उकेरी उत्तराखंड की संस्कृति। G20 की बैठक को लेकर दिखाई अपनी कला। 28 से 30 मार्च तक रामनगर में G20 की 3 दिवसीय बैठक का होना है आयोजन। फतेहपुर से सनसनीखेज वारदात आई सामने। मेले में गई 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुआ गैंगरेप। पुलिस ने मामले में शामिल 6 आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ डीएम ने नगर निगम, जल निगम, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ की समीक्षा। शहर की व्यस्त सड़कों पर अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश। कहा, घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदारों को जल्द किया जाए ब्लैकलिस्ट। सहारनपुर से व्यापारी स्वाभिमान यात्रा हुई शुरू। पूरे प्रदेश के शहर कस्बों से होते हुए 8 मई को लखनऊ में होगा समापन। उत्तर प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकुंद बिहारी मिश्रा ने की यात्रा की शुरुआत।
और चलिए रुख कर लेते हैं एक बड़ी जानकारी का। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में 5 आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है, ये बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में 5 आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है, 5-5 लाख की गई है इनाम की राशि। तो बड़ी जानकारी, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में 5 आरोपियों पर इनाम की राशि को 5-5 लाख रुपए किया गया है। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया है। 5-5 लाख रुपए की गई है 5 आरोपियों पर इनाम की राशि को बढ़ाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल इन आरोपियों पर इनाम राशि को बढ़ाने का फैसला हुआ है। 5-5 लाख रुपए की गई है इनाम राशि। बड़ी जानकारी, अहम खबर, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की इनाम राशि बढ़ाई गई है। 5 आरोपियों पर इनाम राशि को बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस मामले में लगातार कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और अब एक और बड़ा कदम। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें, इस पूरे हत्याकांड में शामिल जो 5 आरोपी हैं उनकी इनाम राशि को 5-5 लाख रुपए किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महोबा जिले को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार विकास की आधुनिक सोच की वजह से आज 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सड़कों का जाल विकास का रास्ता होता है, कनेक्टिविटी बेहतर होने से विकास तेजी से होता है। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में आज हर घर नल है, बुंदेलखंड अब पानी के लिए नहीं तरसता, आज बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अब चित्रकूट तक होगा, आज हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की भूमि है और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं वहां बढ़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये संजोग है कि विकास की अपनी आधुनिक सोच के साथ आदरणीय गडकरी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बदल करके देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को देश के दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय भी है। और इस अवसर पर जब बुंदेलखंड को यह उपहार मिल रहा है तो सचमुच हर बुंदेलखंडवासी इसके लिए आह्लादित है। ये 9 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें 3500 करोड़ रुपए की लागत या तो उन पे खर्च हो चुका है या फिर खर्च होने वाला है। आजमगढ़ पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तैयारियों का जायजा लिया। ओपी राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका खुद भरोसा नहीं कि वो कहां रहेंगे। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर ही कहता है। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को 24 के लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर का क्या महत्व है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अगर सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होती तो सपा तीसरे नंबर पर रहती। 2024 में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों पर तीसरे नंबर पर ही रहेगी, चाहे जितनी ताकत लगा ले। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कई सपा विधायक पाला बदलने की भी संभावना जताई। आजमगढ़ में शायद भाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहां होते, तीसरे नंबर पर होते ना, वही हाल होगा। आजमगढ़ में दोनों सीट पर देख लीजिएगा, पूरी ताकत लगा लें लोग। हम भी आजमगढ़
हम लोग भी हैं, घूमते रहते हैं हम लोग भी। आपकी रणनीति क्या रहेगी 24 में, जो कि कभी मायावती जी की तारीफ कर देते हैं, कभी आप भाजपा की तारीफ कर देते हैं, सब लोग असमंजस में हैं। नहीं देखिए, हम सच बोलते हैं, फिर मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप लोगों के आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना देश में फैक्ट्री लगाई, रेलवे स्टेशन बनाया, सड़कें बनाई, रोडवेज बनाया, जितना नौकरियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उतना कोई पार्टी आज तक काम न की है न कर पाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिजनौर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान अखिलेश यादव ने अफजलगढ़ के पूर्व विधायक और सपा नेता शेख सुलेमान से मुलाकात की, जिसके बाद अखिलेश धामपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा के हाजी शेर अली मृतक के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा पर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो लोगों को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट करना पड़ेगा, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक बार फिर से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी के अवैध खनन पर भी लिए जा रहे एक्शन और अडानी मामले पर भी बात की। दो मुख्य मामले, ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं दोनों लोकसभा जीतते हैं, तीनों सीटें भैया, तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, माननीय काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स, इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपाए, अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। आजमगढ़ में सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के कितने माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला है, इसका जवाब दें, आज बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक जाति वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सपा अपनी ताकत की बुनियाद पर भाजपा को हटाने का काम करेगी। आजमगढ़ पहले से ही सपा को ताकत देने का काम करता है, यहां के लोगों ने हमेशा सपा को मौका दिया है, मान सम्मान दिया है। देखिए, जाति जनगणना बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूरे देश का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब जाति जनगणना होगी तो जातियों को अंदाज लग सकेगा कि बीजेपी की सरकार में किस किस के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो लोग कभी नारा देते थे कि हम लोग 56 में 86 में 56 वाले बात करते थे, जवाब नहीं दे पाए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मामला उठाया विधानसभा में। लेकिन हाँ, कल ही की एक लिस्ट आई है, आप देखेंगे जितनी साइड पोस्टें हैं कि लोगों को भेजा जा रहा है, क्रीम पोस्टों पर किनको भेजा जा रहा है, ये सभी चीजों के और समाज के हर तरह के न्याय दिलाने के लिए जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका समाजवादी पार्टी ने आज ही नहीं, जब विधान लोकसभा में चर्चा हुई थी 2011 में आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, पूरे देश के लीडर से पूरे देश की पार्टियां एक होकर इस मांग को उठाया था, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। आज बीजेपी की सरकार कह रही कि हम जाति जनगणना नहीं स्वीकार करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर समाज के दबे कुचले पिछड़े शोषित लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये लोग केवल आपसे वोट लेना चाहते हैं, आपको हक और न्याय नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर प्रयागराज पहुंचे, जहां वो सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी दोषी हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पाताल में भी छुपे हों।
साथ ही साथ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जल्द ही अपराधी पुलिस की हिरासत में होंगे। तो वहीं अतीक अहमद के साबरमती जेल से यूपी लाने की बात पर उनका कहना है कि सड़कों पर एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, अगर अतीक अहमद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सड़कों पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए बोले कि सपा पहले से ही अपराधियों को संरक्षण देती रही है, वो क्या ही बोलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये संकल्प है कि किसी भी बेटी के जो पिता हैं, जो उनके अभिभावक हैं, आप जानते हैं कि किस तरह की परंपराएं हैं, किस तरह की लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की कोई भी बेटी बेसहारा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसका संबल है, उसका सहारा है, उसका ही नहीं उसके पूरे परिवार। अभी ये चौथा मेरा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज यहाँ प्रयागराज की धरती पे संपन्न हुआ है। इससे पहले गाजियाबाद करके आए 3003 जोड़े, भगवान श्री राम की अयोध्या की धरती पर 1705 जोड़े, मिर्जापुर में 1008 जोड़े और आज यहाँ पर 1126 जोड़े आज नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। परसों लखनऊ मंडल का सामूहिक विवाह है, हरदोई में हम कर रहे हैं और हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि वहाँ जो लोग नवदंपत्य जो वहाँ हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ रहने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं कि अद्भुत नज़ारा है। लोग कहते हैं कि एक कन्या का विवाह कराना इतना पुण्य का काम होता है, तो यहाँ 1126 कन्याओं का विवाह सरकार ने कराया है, तो बहुत बड़ा ये काम है, अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं आपके सामने। यूपी के चित्रकूट जिले में पिता ने बेटी और पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पिता ने लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारी जिससे दोनों की मौत हो गई और इसके बाद पिता मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों और परिजनों ने बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इसके पहले मौके पर ही उसकी मां की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाइसेंसी बंदूक को बरामद कर लिया है। आरोपी पिता नंद किशोर त्रिपाठी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें, बेटी का पंकज नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग था जिसके चलते पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया और बीच बचाव में आई मां को भी गोली मार दी। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके दोनों सरकारी गनर की हत्या मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे और कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही अतीक से जेल में पूछताछ करने गई टीम को लेकर कहा कि ये विवेचना का प्रकरण है और सारी चीजें जल्द सामने आएंगी। साथ ही अतीक को यूपी लाने के सवाल पर प्रशांत कुमार ने कहा कि हमें अगर कोर्ट से परमिशन मिलेगी तो इस पर जरूर काम करेंगे। पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसके संबंध में क्योंकि उस दिन होली का कार्यक्रम था इसलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था महिला और बाल सुरक्षा संगठन के द्वारा। इस दौरान कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा किया जाए, इस पे एक चार लोगों के पैनल जो कि प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा अपना व्याख्यान दिया गया और जो भी महिला सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक रेंज और जोन में जो अच्छे कर्मियों ने काम किया था उनको प्रशस्ति पत्र और इनाम भी दिए गए तथा राज्य सरकार की जो मिशन शक्ति योजना है उसके बारे में लोगों को बताया गया और किस तरीके से हमारा महिला और बाल सुरक्षा संगठन 1090 इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है, फिर उसको 112 के साथ हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स के साथ उसका इंटीग्रेशन है। इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी लोगों ने अपने अपना व्यू पॉइंट दिया। साथ ही साथ जो हमारे अचीवमेंट्स हैं कन्विक्शन के मामले में, महिलाओं और बच्चों के मामले में जो केसेस के डिस्पोजल में हमारा प्रथम स्थान है उसके बारे में भी लोगों को बताया गया
और अन्य जो हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसके बारे में चर्चा की। सर, तक क्या अपडेट पहुंची और कहां? वो सभी चीज़ें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। टीम क्या गुजरात भी गई है से पूछताछ करने? ये सब चीज़ें जाती रहती हैं, टीमें वो विवेचक भेजते हैं, वहाँ कमिश्नर के द्वारा समय समय पर इसकी ब्रीफिंग की जाती है। अनिरुद्ध के मामले में क्या जांच बैठाई गई है, क्या? अब यहाँ वहाँ के कमिश्नर के द्वारा को एक कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसके बारे में विस्तृत जाँच करके भेजें, चूँकि ये वीडियो काफ़ी पुराना है और किन परिस्थितियों में और कैसे ये चीज़ें कल दोबारा प्रसारित की गई है, इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। अतीक से मुख्तार जिस तरह से यूपी लाए गए थे, कि अतीक को यूपी लाने के लिए कोई नहीं, ये पहले बताया जा चुका है कि विवेचक के द्वारा सभी तथ्यों का को स्टडी करने के बाद से इस पर विवेचक ही निर्णय लेंगे और उसका से माननीय कोर्ट में हम लोग अर्जी लगाएंगे। मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने आज हजरतगंज में बने मल्टी लेवल पार्किंग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग की डेंटिंग, पेंटिंग, लाइटिंग और मेंटेनेंस के काम को प्राथमिकता पर कराए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग के सामने लगे डेड पूल को तत्काल हटाया जाए। पूर्वोत्तर रेलवे के DRM आदित्य कुमार ने ट्रेन एक्सीडेंट बचाने के वाले 4 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया है और इस दौरान उनके साथ ADRM शशीर सोमवंशी और संजय यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कर्मचारियों को उत्तरदायित्वों का निर्वहन और कर्मठ और अमूल्य योगदान देने के लिए बधाई दी। DRM ने कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आज उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगाज हुआ। आज सत्र के पहले दिन जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस सदस्य भर्ती परीक्षाओं में हो रही कथित अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास और बेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। ये जनता के सवाल हैं। आप जो बच्चे, जो बेरोजगार नौजवान एक साफ सुथरा सिस्टम मांग रहे हैं परीक्षा का, तुम उनको डंडे चलाते हो, उनको जेल का डर दिखाते हो और जबरदस्ती परीक्षाएं उन पर थोपते हो और नकल को थोपते हो उनके ऊपर, अपने मनचाहे तरीके से काम करते हो। दूसरी तरफ अंकिता हत्याकांड में सबको मालूम है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो VIP का खासम खास, जो भाजपा का खासम खास है, जिसके कारण या अंकिता को अपने प्राण देने पड़े। आखिर अंकिता भी तो उत्तराखंड से सवाल कर रही है कि वो VIP कब जेल के सिकुचुमा होगा, वो आप नहीं कर पा रहे हो। महंगाई चरम पर है, गैस के दाम कहां से कहां पहुंच गए, बेरोजगारी चरम पर है, सड़कों की हालत खस्ता है, महिलाओं का सम्मान खतरे में है, किसानों के गन्ने का मूल्य दुनिया भर में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में मनमाने दाम पर किसानों को बाध्य किया जा रहा है गन्ने को बेचने के लिए। जो है इकबालपुर चीनी मिल पर 200 करोड़ रुपया बाकी है, भाजपा की क्या अशनाई है इकबालपुर चीनी मिल के साथ कि आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो। और भी बहुत सारे सवाल हैं, कुशासन है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, इसके खिलाफ ये कांग्रेस जनों का नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोगों का आक्रोश है। कांग्रेस तो इस आक्रोश को व्यक्त करने का निमित्त है। देखिए, गैरसैंण की अनदेखी जो हो रही है, ये हमारे जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनका और आंदोलनकारियों का अपमान है। 3 साल हो गए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने, एक दिन भी सत्र नहीं चला। आज इन्होंने तब किया जब हम लोगों ने विरोध किया और 3 साल में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। झंडारोहण तक 26 जनवरी को किसी मंत्री ने यहाँ नहीं किया और केवल सत्र चलाना, राजधानी बनना नहीं होता, यहाँ से सरकार चलनी चाहिए। 6 महीने जब तक सरकार नहीं चलाते हम कैसे मान लेंगे ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है? ये शहीदों का अपमान है। साथ में अंकिता मर्डर केस का मिसहैंडलिंग, उसी तरीके से भर्ती घोटाले, पुलिस का पे ग्रेड का मामला, किसानों के पुराने भुगतान के मामले, अडानी के हाथ से देश बेच रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, डॉलर मजबूत गिर रहा है, महंगाई बढ़ी है, गैस के सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं जो नकल विरोधी आंदोलन कर रहे थे, और इस सरकार ने
जिन लोगों ने नकल करी उनकी तो जमानतें कर दी हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष की, लेकिन जो बेरोजगार नौजवान थे उन पर आंदोलन करने वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम यहाँ बीजेपी की सरकार की आंखें खोलने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए उनको झकझोरने आए हैं। तो वहीं भराड़ी सेन में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दिल जीतने वाला अंदाज देखने के लिए मिला। भराड़ी सेन के कर्ण प्रयाग लौटते समय रास्ते में स्कूली बच्चों की बस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बैठे हुए नजर आए और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। इस दौरान स्कूली बच्चों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उतना ही खोखला था जितना खोखला पिछली बार का धामी सरकार का बजट था, और इस बार भी उसी तरीके के खोखले बजट से ज़्यादा जनता को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों पर, जनता के सवालों पर, विधानसभा में यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह के नेतृत्व में और सड़क पर करण मेहरा और गणेश गुर्जर जी के नेतृत्व में जबरदस्त आवाज उठाई। हजारों का कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं एसडीएम ने कहा कि 4000 से ज़्यादा गिरफ्तार कर जनता के सवालों को उठाया। देहरादून में एसएसपी दिलीप कंवर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है, तो वहीं 2 एएसआई का निलंबन भी कर दिया। कार्रवाई को लेकर एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि अवैध खनन के मददगार पुलिस कर्मियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही अगर कहीं थाना स्तर पर इस तरह की शिकायत मिली तो फिर पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। लापरवाही और अनुशासनहीनता के क्रम में उनकी शिकायत मिलने पर मैंने 8 हमारे कांस्टेबल हैं हरबरपुर के, सैलाकुई के और सैदपुर के, उनको मैंने लाइन हाजिर किया है। कुछ शिकायतें उनकी थी, उसको उसकी मैं जांच करा रहा हूं और जांच कराने के बाद आगे जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या दूसरा जो है, 2 कांस्टेबल हमारे कल निलंबित हुए हैं, एक एएसआई है खंजनलाल यातायात, इसकी भी एक शिकायत आई थी, और दूसरा एक कांस्टेबल अजय बिष्ट है एक पुलिस लाइन में। तो इन दोनों के जो है वो लापरवाही अनुशासनहीनता की शिकायत आई थी, तो उन दोनों को सस्पेंड कर दिया मैंने, और बाकी जो 8 कांस्टेबल हैं इनको लाइन हाजिर किया। थानेदारों की भी जिम्मेदारी भी इसको लेकर तय की जाएगी। चौकी थाने की जिम्मेदारी है कि देखिए अनुशासन का और हम सब लोगों का एक जीरो टॉलरेंस है, इसमें किसी प्रकार का कोई अवैध खनन अनाउंस जो ओवरलोडिंग है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और एक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, और निश्चित रूप से अगर कोई थाना प्रभारी चौकी प्रभारी उसके खंडित होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। हल्द्वानी में पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। तस्वीरें हल्द्वानी के दमू आडूंग इलाके की सामने आई हैं। यहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए 6 इंच की पेयजल लाइन डाली जानी थी, लेकिन विभाग केवल 4 इंच की पाइप लाइन डालकर खाना पूर्ति कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों ने ठेकेदार पर काम में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। पहले वहाँ पर एक 12 इंच की एसी की पाइपलाइन पुरानी पड़ी हुई थी और सारे लोग के कनेक्शन उसी 12 इंच की पाइपलाइन से थे। अभी वहाँ नहर कवर करके चौड़ा करने का था, तो उसमें वो पाइपलाइन शिफ्ट करने की बात आ रही थी, क्योंकि वो पाइपलाइन जो 12 इंच सीमेंट की है वो लगभग 35 से 40 साल पुरानी है, तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, तो उसकी जगह हम लोगों ने 12 इंच की एक नई पाइपलाइन MSC डाली है सड़क के बीच में से। लेकिन पहले लोगों का कनेक्शन जो था वो उस 12 इंच की पाइप से था, जब उस पर हैवी लोड चलता था तो लोगों का कनेक्शन टूटते थे, तो अब हम लोगों ने उस 12 इंची से 4 इंची और 6 इंची की ब्रांच लाइन निकाल रखी है 300 मीटर लंबी, और लोगों को उस 4 इंची और 6 इंची से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये जल संस्थान की बहुत बड़ी लापरवाही है, उनके अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछले वर्ष भी चंबलपुर पे आपको भी पता है कि इसका विरोध हुआ था, वहाँ पर 6 इंच की लाइन पड़नी थी, 4 इंच की डाली, वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने विरोध करा, तो 6 इंच की लाइन वहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक डाली उन्होंने, उसका 4 इंच की लाइन डाल दी गई, और इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है, घोटाला भी हो सकता है। कल स्थानीय लोगों ने मुझे मौके पर बुलाया तो इसकी जांच पड़ताल की गई, तो यहां पर इतना बड़ा मतलब गलत रवैया हो रहा है कि पक्षपात कर रहा है, भेदभाव हो रहा है। रुकिंग एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।